हेलो फ्रेंड, ये वीडियो उनके लिए है जिनका बीपीएससी में रिजल्ट नहीं आया है। एक्चुअली अभी मैं थोड़ी देर पहले जगा ही हूँ, रात भर चैट ही हो रही थी क्योंकि रिजल्ट आने के बाद सब लोग परेशान हो गए। जिनका आया वो खुश थे, जिनका नहीं आया वो परेशान थे। तो लगातार आप लोगों से बात ही हो रही थी और सुबह में तो सोया ही हूँ दिन में। अभी थोड़ी देर पहले जगा तो पता चला बहुत सारे मैसेज आ गए हैं। कुछ लोगों को मैंने अभी देखा नहीं है कौन कौन सा क्वेश्चन चेंज हुआ है और क्या हुआ ये नहीं देखा, बट मेरे स्टाफ ने बोला और मेरे पास भी कॉल्स आए हैं कि कुछ एक दो नंबर से जिनका रह गया हो उनको लग रहा है कि कुछ क्वेश्चन का आंसर जो है उसमें प्रॉब्लम है, उसको क्लेम कैसे करें। सबसे पहला इसमें दो चीज बात करेंगे, उसको कैसे क्लेम करें कि वो आंसर गलत है, और दूसरा कि जिनका रिजल्ट नहीं आया, जो नहीं आया वो तो नहीं आया, अब नहीं आया तो कुछ कर नहीं सकते उसका, तो आगे की रणनीति क्या हो। सबसे पहली बात कि रिजल्ट नहीं आया, कहीं ना कहीं कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर आ गया जो अनएक्सपेक्टेड था, बिल्कुल ही पता नहीं था, एकदम ही नहीं। लास्ट टाइम तक, जो सही बता रहा हूं मैं, लास्ट टाइम तक ये नहीं पता चला कि 97 कट ऑफ जा रहा है, तो अनएक्सपेक्टेड था। बहुत सारे लोग इसके कारण बाहर हो गए हैं रिजल्ट से, और ये मैं समझ सकता हूं कि मेरे साथ भी जो जुड़े हुए थे उनमें से जी कुछ स्टूडेंट का, अधिकांश लोगों का हो गया है बट कुछ स्टूडेंट का नहीं हुआ है, तो उनका भी अफसोस है मुझे कि जो साथ में जुड़ जाते तो लगता है ना कि जब नहीं होता है तो अफसोस होता है, पर हो गया उनके लिए खुशी है ही है, बट नहीं हुआ उनके लिए अफसोस भी है। तो देखिए, अब कुछ कर नहीं सकते, नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो 65 होगा। अच्छी बात ये है, इन सब के बीच में अच्छी बात जो ये निकल के आई है कि 65 के अंदर पोस्ट भी अच्छे हैं, नंबर ऑफ पोस्ट भी अच्छे खासे आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 64 में जो मौका चूक गए तो वो 65 में नहीं मिलेगा, एक तो वो भी मिलेगा। दूसरा एक और अच्छी बात यह है कि सिलेबस चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि वो जो पीडीएफ है ना रिजल्ट वाला, उसके नीचे में एक लाइन मेंशन कर दिया गया है, वो ये दिखा रहा है कि 65 का सिलेबस चेंज नहीं होगा। तो सबसे अच्छी बात है कि सिलेबस चेंज नहीं हो रहा। तो आप लोग जिस एंथो के साथ लगे हुए थे, जिस जुनून के साथ 64 के लिए लगे थे, अब 65 के लिए लग जाओ, भूल जाओ जो हो गया सो, जो हो गया भूलने में एक दिन टाइम लगेगा, दो दिन टाइम लगेगा, तो वो टाइम लीजिए आराम से। अभी देखिए, अब सीधी बात है कि अभी क्या करें, तो अभी आप लोग रिलैक्स करो। मेरे हिसाब से अभी 2-3 दिन 4 दिन जो है वो आप लोग रिलैक्स करें, बिल्कुल रिलैक्स करें, ठीक है, कुछ नहीं सोचे। अब जो होना था सो हो गया, सीधी बात, तो कुछ नहीं सोचे, 2-4 दिन रिलैक्स करके। मेरे साथ भी जो जुड़े वो कह रहे सर क्या आगे, तो उनको ही मैंने कहा है कि अभी 2-3 दिन आराम से रहो, घूमो फिरो, खाओ पियो, आराम से 2-3 दिन रहो, उसके बाद प्लानिंग करना। अभी प्लानिंग भी मत करो, आप लोग रिलैक्स हो जाओ बस। जो भी होती है बहुत बार होता है, उतार चढ़ाव आता रहता है, रिजल्ट जब नहीं आता है, बहुत बार बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट था, बहुत ऐसे हैं जो हो सकता है आगे पढ़ाई कंटिन्यू कर, बहुत सारी चीजें होती है, मैं समझ रहा हूँ, मेरे साथ स्टूडेंट जुड़े हैं तो मैं सब कुछ समझ रहा हूँ और उसका दर्द है मुझे भी, बट तब भी कुछ कर तो सकते नहीं है। और रिजल्ट जो है आपका, मतलब कहने का ये प्रोग्राम, अगर कुछ लोगों ने बोला कि सर आप अपडेट कर दो आगे क्या, तो आगे आप बस ये करो कि 2-3 दिन कुछ ना करो, उसके बाद प्लान कीजिए कि आपने कहाँ कहाँ गलती की, आपने कहाँ कहाँ चूक किया है, आपने कहाँ कहाँ गलती की है और कहाँ कहाँ चूक हुई है, ये एक बार आप लोग देखिए और फिर नए सीरीज से 65 के लिए लग जाए, क्योंकि उसका भी एग्जाम अक्टूबर में होने वाला है। प्री और मेंस दोनों को एक साथ लेके चलिए, एनर्जी के साथ रहिए और पूरे एनर्जेटिक होके आप लोग फिर से तैयारी करो। आप लोग एनर्जी में आओगे, मैं भी एनर्जी में आ जाऊंगा, तो पूरे एनर्जेटिक होके आप लोग तैयारी करें। और मेरी तरफ से अभी का ये सजेशन है कि 3-4 दिन आप लोग कुछ ना करो, 3-4 दिन रिलैक्स करो, बिल्कुल छोड़ दो सब कुछ। अगर कोई एग्जाम है आगे में देना है, जैसे बिहार असिस्टेंट का एग्जाम होगा, कोई एग्जाम है तब ठीक है आप कंटिन्यू करें उसको, लेकिन अगर नहीं है तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि ये एक झटका था, सबको लग रहा था कि इतना अच्छा मौका है तो होना चाहिए था। ऑब्वियसली अच्छे अच्छे स्टूडेंट बाहर हो गए, देखो अच्छे अच्छे स्टूडेंट जो यूपीएससी क्वालिफाई कर रहे हैं वो सभी बाहर हो गए बहुत सारे, इसलिए आप सबसे बेटर है कि थोड़ा रिलैक्स करो और स्ट्रेटजी उसके बाद देखो कि चूक कहाँ हुई है, और उससे रिलेटेड कोई दिक्कत हो रही हो तो फिर आप मुझे कॉल करें, मैं आपसे बात करूंगा। और वीडियोस मेरी आएंगी, अगली वीडियोस जो आएंगी, ये था इसलिए कि आप लोग अभी क्या करें, आनंद फानंद में क्या करें। हाँ, एक और बात जो सबसे मेन है कि जो क्वेश्चंस में आपको कमी लग रही है, मैंने देखा नहीं, देख लूंगा तो मैं आपको उसको भी बता दूंगा, जो क्वेश्चंस लग रहा है कि बीपीएससी का गलत है, उसके 1-2 नंबर के कारण आप लोग बाहर हो गए, अगर 1 या 2 नंबर के कारण आप लोग बाहर हो गए और उस क्वेश्चन में गलती है, तो अब बीपीएससी रिवाइज करने का, रिवाइज रिजल्ट है, इसलिए रिवाइज करने के लिए कोई ऐसा एप्लीकेशन डालोगे तो बीपीएससी नहीं सुनेगी उसके लिए। और किसी को लग रहा है, देखिए टेक्निकल फॉल्ट आई है, टेक्निकल फॉल्ट क्या है ये मुझे नहीं पता, लेकिन इतना तो समझ में आ रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके कट ऑफ से ज्यादा नंबर थे, उनको उनका भी रिजल्ट नहीं है, कुछ ऐसे हैं जो बता रहे हैं, तो और वो क्या करें। तो सिंपल है, आप आरटीआई से पहले अपना क्वेश्चन पेपर मंगवा लो, अपना जो आंसर शीट था आरटीआई से आप उसको मंगवा लीजिए, उसको मंगवा के आप अच्छे से उसको चेक करें,
उसे मंगवाएं, चेक करें, अगर लगता है कि आपका कटअप से ज्यादा है तब आप फाइट कर दो, केस कर दो, सीधा बात है। एक एप्लीकेशन पहले लिख दीजिए कि ये त्रुटि हुई, इसको सुधार ले, और वहां से अगर कोई रिप्लाई नहीं आता है आप सीधे केस करें। और जिनका जिनको लगता है कि उसका जो आंसर है बीपीएससी का वो गलत है, तो वो एक जगह हो जाए, अपने आप को एक जगह कलेक्ट कर ले, और उसके बाद वो केस फाइल करें, उसके बाद बीपीएससी के अगेंस्ट में केस फाइल करें। उससे क्या होगा कि उसे ये होगा कि जो भी मतलब एक या दो नंबर के कारण जो भी बाहर हो रहे हैं वो एटलीस्ट इन कर जाएंगे। तो अभी तो नहीं, मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि एक ग्रुप बना देता हूं, उस ग्रुप में जिनको लगता है कि एक या दो नंबर के कारण वो बाहर हैं, तो उस ग्रुप को वो ज्वाइन कर ले, एक दूसरे से शेयर करें अपनी चीजों को, प्रूफ को भी शेयर करें, और आगे क्या फर्दर स्टेप होना चाहिए उसको भी हम लोग उस ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे। तो अभी के लिए यही कि जिनके नहीं हुए रिलैक्स करो, थोड़ा सा कूल करो अपने आप को, और नेक्स्ट लेवल के लिए तैयारी करिए। क्योंकि होता है आदमी जब सफर में होता, जब आदमी दौड़ता है तो हो सकता है बीच में गिरता भी है, लेकिन गिरने के बाद अगर वो दौड़ना छोड़ दे तभी वो हारता है। अगर दौड़ना नहीं छोड़ के वो फिर से खड़ा होकर दौड़ने लगता है तो वही असली विजेता वही है। बहुत बार होता है हम लोग मंजिल तक जो टारगेट होता है वहां नहीं पहुंच पाते, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि दूसरे रास्ते बंद हो गए। रास्ते हैं, और भी रास्ते होंगे, जिनके लास्ट टाइम थे उनका एज नहीं बचा, तो और भी रास्ते होंगे जहां आप चलते चले जाओगे तो आगे बढ़ोगे डेफिनेटली। इसलिए परेशान ना हो, कम हो, ये तो नहीं कहूंगा ना हो, होना है, होंगे ही आप लोग, लेकिन कम हो तो बेटर है। और अभी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आगे के जो क्लासेस और शेड्यूल होंगे जो आगे के उससे रिलेटेड, बस यही कहना है कि जम के आप लोग नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार हो जाएं, अपने आप को मेंटली स्ट्रांग करें, फिजिकली स्ट्रांग करें, और नेक्स्ट लेवल के लिए तैयारी करना।